क्वेश्चन नंबर 10, इसे हमें लीफो मेथड से बनाना है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में आएगा क्वांटिटी उसको हम पहले इशू करेंगे। तो यहाँ पे हमको बोला गया है बनाने के लिए, और यहाँ पे हमारा रिसिप्ट साइट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 2016 के लिए, और इधर पे इशू का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। साथ में ये बताया गया है कि 1 फरवरी 2016 को ओपनिंग स्टॉक हमारा था 400 kg, जिसका रेट था 11 रुपये पर kg। इसके अलावा रिसिप्ट 10 फरवरी को था 200 kg 12 रुपये के हिसाब से, 15 तारीख को था 300 kg 14 के हिसाब से, 25 को हमने 400 kg खरीदा है 15 रुपये के हिसाब से, और 28 तारीख को खरीदा है 100 kg 16 रुपये के हिसाब से, और 3 तारीख को हमने इशू किया है 300 kg 12 तारीख को 100 kg 14 को 200 kg और 18 को 200 kg 26 को 400 kg हमने इशू किया है। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टोलेजर अकाउंट लीफो मेथड से बना रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में आएगा उसको पहले इशू करना है। इसमें 4 कॉलम होगा, एक डेट का, एक रिसिप्ट का, एक इशू का और एक बैलेंस का, जिसमें हम इसको 3-3 कॉलम में डिवाइड करेंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट के कॉलम में। यहाँ हम सन लिखेंगे 2016, 1 फरवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस बताया था 400 kg 11 रुपये के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4400। 3 तारीख को हमने इशू किया था 300 kg, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 रुपये रेट ही है तो हम उसको 11 रुपये के हिसाब से ही इशू करेंगे, इंटू करने पे आ जाएगा 3300। अब क्योंकि 400 था जिसमें से 300 हमने बेच दिया, इसका मतलब 100 ही हमारे पास बचा, तो 100 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 1100। 10 तारीख को हमने फिर से 200 kg रिसिप्ट किया है, खरीदा है 12 रुपये के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2400। अब हमारे पास 100 kg पहले से था, इसको तो सेम लिख देंगे। अब 200 kg वाला हमने जो नया खरीदा उसको उसके नीचे लिखेंगे और इसका एक पेयर बना देंगे। 12 तारीख को हमने फिर से इशू किया है 100 kg। अब क्योंकि ये लीफो मेथड है, यानी कि जो लास्ट में आया वो पहले इशू होगा, तो लास्ट में हमारा आया है 12 रुपीज़ वाला, तो हम 12 रुपये के हिसाब से उसको इशू करेंगे, तो 12 × 100 करेंगे तो आ जाएगा 1200। अब 100 kg वाला तो जो था वो सेम लिखाएगा, लेकिन 200 में से हमने 100 इशू कर दिया तो हमारे पास बचा 100, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। 14 तारीख को हमने फिर से 100 kg इशू किया है, तो पहले तो ये 12 रुपये वाला जो था 100 kg उसको अपन पहले इशू करेंगे तो वो सेम इशू हो जाएगा, और उसके बाद फिर से 100 kg हमको इशू करना था क्योंकि 200 kg टोटल इशू करना था, तो हम जो ऊपर में 100 kg था उसको इंटू इशू करेंगे 11 रुपये रेट के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1100। क्योंकि हमने ये दोनों को ही इशू कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नील। 15 तारीख को 300 kg फिर से हमने खरीदा 14 रुपये रेट के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4200। इसी को हम अपने बैलेंस साइड पे भी लिखेंगे सेम। 18 तारीख को हमने 200 kg हमको इशू करना है, हमारे पास 300 kg था जिसमें से 200 हमने इशू कर दिया, 14 रुपये रेट के हिसाब से ही करेंगे, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2800। अब 300 kg था उसमें से सिर्फ 200 ही हमने बेच दिया तो हमारे पास बचा 100, तो 100 इंटू करेंगे 14 रुपये के रेट के हिसाब से तो आ जाएगा 1400। 25 तारीख को फिर से हमने परचेस किया है 400 kg 15 रुपये रेट के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6000। अब ये 100 रुपये वाला तो पहले से था तो उसको हम सेम लिख देंगे, और ये जो 400 हमने नया खरीदा उसको भी उसके नीचे लिख के एक पेयर बना देंगे। फिर 26 तारीख को हमने 400 kg इशू करना है, तो हमारे पास क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो लास्ट में आया यानी कि 15 रुपये रेट वाला उसको हम इशू करेंगे, तो पूरा का पूरा 400 kg हम यहाँ पे इशू कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये 100 kg वाला ही बचेगा तो हम उसको सेम लिख देंगे। इसके बाद 28 तारीख को 100 kg हमने फिर से परचेस किया 16 रुपये रेट के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1600। अब ये 100 kg 14 रुपये के रेट के हिसाब से था 1400, ये तो हमारे पास पहले से है तो इसको हम लिखेंगे, और जो हमने नया परचेस किया उसको भी लिखेंगे। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचेगा 200 kg, और टोटल अमाउंट में हमारे पास बचेगा 3000 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा।